ट्रांसपोर्टेशन में समझा रहा हूँ आपको, और मैं इसीलिए कर रहा हूँ ये क्योंकि यहाँ पे, हाँ ठीक है, या तो सुनो वो मैंने वीडियो डाल रखे हैं अरुण, तुमसे मैं यही कहूँगा कि आप जाओ उसको देख लो वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ज़्यादा समय के नहीं है, 20-20 मिनट के हैं, 2x में भी देख लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाले दो वीडियो में। आज अभी कितना समय हो गया, 11:52 हो गया, ठीक है 11:52 हो गया, मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं स्टेपिंग स्टोन मेथड आज ख़त्म कर दूंगा। तो आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल आप करके आओ या ना आओ वो आप जानो, ठीक है। आप अब, मैं ऐसे नहीं चल सकता कि मैं रोज़ रोज़, मुझे भी नहीं अच्छा लगता मैं आपको टोकूं बार बार आपको बोलूं, मुझे अंदर से नहीं अच्छा लगता, और मेरा वैसे भी काम नहीं है ये सब। यहाँ कोई नहीं पूछता है बेटा, यहाँ कोई भी नहीं पूछता है कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं आप, मैं इतने इतने चीज़ें डाल रहा हूँ ना उठा उठा के, कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे। बहुत लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं उस तरह का काम, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ ये मत सोचो कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर है, इतना इतना बोल रहा है आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहूँ तो बस 20 मिनट 25 मिनट पढ़ा के वो हो गया, ये काम भी हो सकता है, और फिर मैं अपना पढ़ाई करने लगूं, क्योंकि मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि प्रोफेशन में कुछ भी नहीं है, और अगर जुड़े भी वो लोग हुए हैं वो अपनी तैयारी करते रहते हैं। मेरी भी तैयारी चल रही है अपने लेवल पे, कुछ ना कुछ मेरे भी प्लान्स हैं, या तो PhD करने का, या तो कोई कॉम्पिटिशन बीट करने का, तो मेरा भी चल रहा है अपना। तो सच्चाई तो यही है ना, लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर कोई काम कर ही रहे हैं तो ढंग से ही कर लें भाई, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलिए आखिरी बार है, और मैं आगे के लेक्चर्स में 11:30 बजे लेक्चर शुरू हो जाएगा, कोई आए ना आए, बीच में आए, उसे क्या समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा मुझे मतलब नहीं है उस सब चीज़ों से। मुझे अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला आगे, ठीक है, मुझे अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया तो वो पुरानी चीज़ें फिर लौट आएंगी, मैं सबको लेके चलूँगा, सबके डाउट लूँगा, एक एक चीज़ मैं समझाऊँगा। लेकिन अगर आपसे रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला तो मैं वैसे ही करूँगा सीधे सीधे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, सेमेस्टर एग्ज़ाम कब से हैं ये तो बेटा हम नहीं बता सकते, हो सकता है कि लेट हो जाए, अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ज़रूर, मुझे लगता है टाइमली हो जाएंगे एग्ज़ाम। मैं इसकी वजह ये है कि 15 अक्टूबर से प्लान हो रहा है, ठीक है, सारे स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं 15 अक्टूबर से, ठीक है, अगर वो स्कूल कॉलेजेस खोल रहे हैं तो इसका मतलब एग्ज़ाम भी लेंगे ही लेंगे, ठीक है, और आप लोगों का तो एग्ज़ाम होना ही होना है जब इतने गंदी सिचुएशन में। जो भी समय था दिसंबर में जैसे होता है एग्ज़ाम आप लोगों का, तो मुझे नहीं लगता है लेट वेट होगा इस बार, क्योंकि कॉलेज स्कूल कॉलेज सब खुल ही गए और प्लानिंग चल रही है कि बच्चों को बुला ही लेंगे अब, ठीक है, तो इसीलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अच्छा चलो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ, इतनी बात हो गई है तो। देखो कर क्या रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन का जो सीधा सा मतलब है वो ये है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा रहे हैं, जहां से सामान जा रहा है उसको हम कहते हैं सोर्स, जहाँ से सामान जा रहा है उसको हम कहते हैं सोर्स, और जहाँ पहुँच रहा है उसको कहते हैं डेस्टिनेशन, या कह लो डिमांड, जहाँ पे डिमांड है, या डेस्टिनेशन कह लो, लेकिन मैं डिमांड से ही बोलता रहता हूँ, जहाँ पे डिमांड है, कहीं डिमांड है, सोर्स से सामान जाके डिमांड पूरी हो रही है। अगर आपके पास एक ही सोर्स हो और एक ही डिमांड पॉइंट हो और रास्ता भी एक ही हो, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको, आप कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप बंधे हुए हो,
किस चीज से बंधे हुए हो? आपके पास सोर्स ही एक है और डिमांड एक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सोर्स दो कर दूँ, मान लो एक और बंदा आ गया और ये दूसरा सोर्स लेके आ गया, अब आपके पास एक चॉइस है कि आप डिमांड इस सोर्स से पूरी करो या आप इस सोर्स से पूरी करो। तो अगर आप इस सोर्स से पूरी कर रहे हो, आप क्या चूज करोगे? पर यूनिट कॉस्ट मान लो यहाँ पे 7 रुपये की लग रही है, मान लो पर यूनिट कॉस्ट आपकी 7 रुपये की लग रही है और इससे यहाँ से लग रही 6 रुपये की, तो आप सारा का सारा डिमांड जो है, जाहिर सी बात है, सारा का सारा डिमांड चाहोगे कि यहाँ से पूरी हो जाए। क्यों पूरी हो जाए? क्योंकि आप चाहते हो ना कि 6 रुपये की कॉस्ट लग रही है, तो पर यूनिट कॉस्ट अगर 6 ही रुपये लग रहा है तो आप तो यही चाहोगे कि सारा का सारा डिमांड यहाँ से पूरा हो जाए। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, जब आपके पास सोर्स जो है दो ही नज़र आ रहे हैं और डिमांड पॉइंट एक है, तो आपके लिए बात बहुत आसान हो जा रही है, बात बहुत ज़्यादा आसान हो जा रही है समझना। लेकिन अगर सोर्स कई सारे हो जाएं, डिमांड भी कई सारे, डिमांड पॉइंट भी कई सारे हो जाएं, तब आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि समझना कि कैसे डिमांड को फुलफिल किया जाए कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट हो वो मिनिमम हो, कैसे उस डिमांड को फुलफिल किया जाए कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे डिमांड 50 की थी, लेकिन यहाँ पे सोर्स में जो है 40 ही सामान था और यहाँ पर मान लो आपके पास 60 सामान है। ठीक है, तो आप ये तो पूरा मीट कर नहीं पाएगा, तो 40 ही जा पाएगा यहाँ पे, बाकी तो आपको 10 लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल कॉस्ट देखो कितना हो जाएगा, 40 × 6 +70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ओवरऑल कॉस्ट देखोगे तो कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं ओवरऑल कॉस्ट। तो ये होता है आपका बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम यही कर रहे हैं। अब कई सारे सोर्सेज इसमें आ जाते हैं, जैसे मैंने जब एग्जांपल लिया था क्लास की शुरुआत में, मैंने 3 सोर्स लिखे थे यहाँ पे, 1, 2, 3, और 3 डिमांड पॉइंट लिखे थे। 3 सोर्स लिखे थे, 3 डिमांड पॉइंट लिखे थे, और मैंने हर एक पाथ का, मान लो कि ये 3 डिमांड जो है इस हर से 3 तरीके से पूरी हो सकती है, पहले से, पहले सोर्स से 3 तरीके से पूरी हो सकती है। ठीक है, तो जब मैं टेबल बनाता हूँ इस तरह से, मैंने यहाँ टेबल बनाई, इस तरह से मैंने टेबल बनाई। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर यूनिट ट्रेवल करने का 8 रुपये, पर यूनिट ट्रेवल करने का यहाँ 9 रुपये, और पर यूनिट ट्रेवल करने का यहाँ पे 7 रुपये। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे मान लो डिमांड पॉइंट मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ डिमांड पॉइंट 2 लिखता हूँ, और डिमांड पॉइंट 3 यहाँ लिखता हूँ। जैसे ये तुम्हारा D3 है, ये तुम्हारा है D2, और ये तुम्हारा D1। ठीक है, अब देखो ये तीनों डिमांड जो है, अगर तुम पहले सोर्स से फुलफिल करते हो, तो पहला सोर्स मैंने ले रखा है यहाँ पे, मान लो इसको मैंने S1 लिखा है, तो पहला सोर्स मैंने यहाँ S1 लिख रखा है, और पहले सोर्स से जो तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है वो आएगा 8 रुपये, यहाँ पर मैं लिखा हूँ छोटा सा इस तरह से। दूसरे डिमांड पॉइंट पे जाता है पहले सोर्स से, तो 9 रुपये, और इस तरह से यहाँ लिखा है 7 रुपये। अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई चीज़, यहाँ पे इसी तरह आपको, आपके पास यहाँ पे अलग अलग सोर्सेस दिया रहेगा, S2, S3, ठीक है, यहाँ 5, मान लो कोई भी नंबर है, यहाँ यहाँ कोई भी नंबर है, मैं अपने मन से ले ले रहा हूँ, ये 5 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, फिर से यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। अगर मान लो अब यहाँ पर कोई भी एक ब्लॉक है, यहाँ मैंने एलोकेट कर रखा है कुछ, मान लो 10 लिख रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे सोर्स से दूसरे डिमांड पे एलोकेट हुआ है, दूसरे सोर्स से सामान निकला है 10 और दूसरे डिमांड पॉइंट पे गया है, और टोटल कॉस्ट लगा है 4 × 10 = 40। अगर कुछ चीज़ यहाँ लिखी है 25, इसका मतलब हुआ पहले सोर्स से पहला डिमांड मीट हुआ है और इसका जो कॉस्ट निकला है अभी 10 के साथ साथ ये भी, तो देखोगे 4 × 40 + कितना हो जाएगा, 25 × 8, 25 × 8 कितना होता है बेटा, 200 होता है।
तो 25 × 8 200, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 240 रुपये। तो मैंने बस यही यहाँ पे लिखा था बेटा, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए ये टेबल बनी हुई है मेरे पास। अरुण तुम्हें बात समझ में आ रही है, ये टेबल बनी हुई है सेम यहाँ पर, मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे 3 डिमांड है और यहाँ पे 3 सोर्स है। इसको जोड़ोगे तो ये 100 आएगा, मतलब सोर्स में जितना सामान है टोटल 100 है और डिमांड भी टोटल 100 है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं, जहाँ पे सप्लाई और सोर्स जो सप्लाई और डिमांड बराबर होती है। सोर्स से सप्लाई हो रही तो सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने एक मेथड लगाया था वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, और वो पिछले लेक्चर में आप देख लेंगे जाके, उससे ये निकल के आया था कि जब तुम इस तरह से एलोकेट करते हो, मतलब 40 है ना, यहाँ सप्लाई में देखो 40 है या सोर्स में देखो 40 है, तो 40 से यहाँ 35 निकालते हो और 5 इस तरह से भेजते हो, और इस तरह से तुमने जब एलोकेट कर लिया है सब कुछ, तब तुम्हारी जो कॉस्ट निकल के आ रही है 8 × 5 प्लस 7 × 35 प्लस 4 × 25 प्लस 5 × 30 प्लस 30, ये जो कॉस्ट निकल के आएगी ना बेटा, ये जो भी कॉस्ट निकल के आएगी, ये जो ओवरऑल कॉस्ट होगी ये मिनिमम कॉस्ट होगी। ये टेबल वहाँ से बन के आया है। अरुण मुझे बताओ तुम्हें समझ में आया, मैंने क्या बताया, कुछ समझ में आया हल्का फुल्का, है ना। अब देखो मैं यही कह रहा हूँ, वोगल अप्रोक्सीमेशन से मैंने 3 मेथड बताए थे, एक था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, एक था मिनिमम कॉस्ट मेथड और एक था वोगल अप्रोक्सीमेशन। तो मैंने कहा था वोगल अप्रोक्सीमेशन से जब तुम एलोकेट करते हो ना, तो तुम्हारा जो कॉस्ट होता है वो मिनिमम आता है। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन जो तुमने करके ये टेबल निकाल ली बेटा, ये जो टेबल निकाल ली तुमने, तुमने कहा कि ये कॉस्ट मिनिमम है, ठीक है। अब कोई और तरीका नहीं है जिससे तुम पता लगा सको, इसको और ऑप्टिमाइज कर सको, ठीक है, मतलब कि मोटा मोटी। लेकिन अब वोगल अप्रोक्सीमेशन में ही एक और साइंटिस्ट थे, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और उन्होंने इन्होंने कहा कि आप जो वोगल अप्रोक्सीमेशन से जो ये रिजल्ट निकाल के लाए हो ना बेटा, ये जो रिजल्ट निकाल के लाए हो, इसको और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इसको और भी मिनिमाइज किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने वोगल अप्रोक्सीमेशन से ये निकाल लिया तो ये जो है कॉस्ट मिनिमम हो ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम हो और ऐसा भी हो सकता है ये मिनिमम ना हो, उसको चेक करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल एक सही रिजल्ट में पहुंच गए हैं कि नहीं रिजल्ट में पहुंच गए। बात समझ में आ रही है। तो उसी को चेक करने के लिए यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन मेथड का यूज़ किया जाएगा, उसी को चेक करने के लिए यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन मेथड का यूज़ करेंगे पहले, ठीक है। अब देखिए स्टेपिंग स्टोन मेथड का यूज़ करेंगे, बताओ इतना समझ में आया अरुण तुम्हें, ठीक है। हाँ हाँ ओके। अब देखो अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि ये जो तुम्हारा सोल्यूशन आया है, ये जो तुम्हारा सोल्यूशन आया है वो ऑप्टिमम है कि नहीं है, इससे जो कॉस्ट मिनिमम है कि नहीं है, ये पता लगाना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये एलोकेशंस है तुम्हारे पास 35, 5, 30, 25, 5, इनमें से कुछ एलोकेशन वहाँ रखोगे जहाँ पे एलोकेशन नहीं हुआ है। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, जहाँ पे एलोकेशन नहीं हुआ है, जहाँ पे एलोकेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम यहाँ पे एलोकेशन कर देते तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाता, तभी तो तुमने एलोकेशन नहीं किया है यहाँ पे। बोलो यस और नो भाई, एलोकेशन नहीं करने का क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ पे यही मतलब तो है कि तुमने यहाँ एलोकेट इसीलिए नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ रही थी तुम्हारी। नहीं समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक है अब। हाँ हाँ गुड गुड। तो अब देखो मैं यही कह रहा हूँ बेटा कि
जो अनएलोकेटेड है, अब तुमको ये पता करना है कि ये ऑप्टिमम है कि नहीं, ये पूरी तरीके से ऑप्टिमम है कि नहीं। तो ये कैसे पता करोगे? यहाँ से कुछ एलोकेशन जो है, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे +1 कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ एक एक यूनिट एलोकेट कर देता हूँ, जहाँ पे कोई भी यूनिट एलोकेट नहीं थी वहाँ मैं एक यूनिट एलोकेट कर रहा हूँ। और अगर मैं +1 एलोकेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से एक यूनिट माइनस करूँगा, क्योंकि भाई ओवरऑल जो सप्लाई है वो तो 40 होना चाहिए ना, और ये +1 मैं एक्स्ट्रा लाया कहाँ से? मैंने इसी 35 से एक यूनिट निकाला और यहाँ एलोकेट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह जब तुम यहाँ -1 करोगे तो यहाँ नीचे तुम्हें +1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सम जो है 40 के बराबर होना चाहिए। 40 के बराबर नहीं है, देखो यहाँ पे कितना है, 34 आएगा, ये जो है 34 आना चाहिए, और ये आपका 5 आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 39, लेकिन तुम यहाँ देख रहे हो कि 40 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो अगर एक यूनिट वहाँ से कम कर रहे हो तो इधर एक यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ बढ़ा रहे हो तो यहाँ कम करना पड़ेगा। मैंने ये कहा था कि किसी भी सवाल में आपको ये मतलब ऐसे करके आप सोच नहीं सकते ना हर सवाल में, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैंने ये कहा था आपसे, सिंपली मैंने ये कहा था बेटा, मैंने सिर्फ ये कहा था आपसे कि आप क्या करना, सबसे पहले जहाँ पे एलोकेशन कर रहे हो, सपोज आपने यहाँ पे एलोकेशन किया, ठीक है, तो अब ये जो अनएलोकेटेड सेल था ये एलोकेटेड हो चुका है, ये एलोकेटेड हो चुका है, यहाँ 1 आ चुका है, मतलब ये अनएलोकेटेड सेल नहीं रहा, यहाँ एलोकेशन हो चुका है। तो एलोकेटेड सेल से वहाँ से एक ऐसा पाथ बनाओ एलोकेटेड सेल का जो क्लोज्ड लूप फॉर्म करता हो। जैसे यहाँ पे कई पार्ट बन सकते हैं, देखो अगर तुम यहाँ पे चले, यहाँ पे तुम्हें एलोकेशन मिला, फिर यहाँ एलोकेशन मिला, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, अब तुम इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि ना ही यहाँ पे एलोकेशन है ना ही यहाँ पे एलोकेशन है, तो तुम यहाँ भी नहीं मुड़ पाओगे ना तुम यहाँ आ पाओगे, तो ये क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो तो सीधा सीधा क्लोज लूप कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो जब तुमने क्लोज लूप आइडेंटिफाई कर लिया, जब तुमने बेटा क्लोज लूप आइडेंटिफाई कर लिया, बस सिंपली क्या करना है, ऐसे यहाँ प्लस किया था, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, अल्टरनेट, बस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यही कह रहा था कि जब तुमने एलोकेट यहाँ किया, बेटा यहाँ ध्यान समझना, जब तुमने यहाँ पे एलोकेट किया है तो कॉस्ट जो है, तुम अभी यहाँ पर जब अनएलोकेटेड था तो ये 9 का कोई रोल नहीं था, लेकिन क्योंकि तुमने यहाँ पे एक यूनिट एलोकेट कर दिया तो अब जो कॉस्ट होगी वो 9 से बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि भाई अब एक यूनिट तुम ट्रांसपोर्ट करोगे पहले सोर्स से दूसरे, सॉरी, पहले सप्लाई से दूसरे डिमांड पे ट्रांसपोर्ट करोगे ना एक यूनिट, तो एक यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह देखो यहाँ पर तुम जहाँ 35 कर रहे थे वहाँ अब कितने कर रहे हो, 34 ही कर रहे हो, तो एक एक यूनिट की कॉस्ट घट जाएगी। ऐसे यहाँ देखो तो यहाँ भी बढ़ गया, पहले 5 कर रहे थे अब 6 कर रहे हो, तो यहाँ +6 हो जाएगा और उधर बगल में क्या हो जाएगा, -5। तो तुमने ये देखा, ये सब करने के बाद तुमने ये सब करने के बाद देखा तुम्हारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो +3 हो गई। इसका मतलब अगर तुम एलोकेट करते हो इस सेल में, इस सेल में एलोकेट करते हो, तुम्हारी ओवरऑल कॉस्ट जो होगी वो पिछली कॉस्ट से +3 बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये जो है एलोकेशन बेकार है। हाँ अगर ऐसा कोई केस आ जाता जिसमें ये कॉस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाती, मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी कॉस्ट घटेगी और तुम अब और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये मतलब होगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। बोलिए कुछ अब बात समझ में आ रही है? बताइए, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि
कि यहाँ पर एलोकेशन करने से कोई फायदा है नहीं, ओवरऑल कॉस्ट जो है 3 से बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, तो हमने किया,